नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम पेंड्रा की एक लड़की के परिवार द्वारा शादी से इनकार करने के चलते युवक को महंगा पड़ गया। ज्ञात हो कि आरोपी युवक विजेंद्र कुमार और पीड़िता का एक दूसरे से परिचय था। मोबाइल के माध्यम से दोनों की बात होती थी। रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि अपने से 5 वर्ष बड़ी लड़की से शादी की बात पर दोनों ने शारीरिक संबंध बनाया, जहां पीड़िता को लगा कि युवक से शादी होगी, इसलिए युवक से लगातार बातचीत और मुलाकात का सिलसिला जारी था। पर अचानक एक दिन युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, तो पीड़िता आरोपी युवक के घर जा पहुंची और अपने बारे में लड़के के घर वालों को बताया और शादी करने की बात कही। पर लड़के से लड़की 5 वर्ष बड़ी होने की वजह से वैवाहिक संबंध नहीं बन सका। लड़के द्वारा शादी से इनकार करने पर पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला संबंधी रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय से उप निरीक्षक निधि साहू के द्वारा प्रारंभिक पूछताछ कर अपराध संख्या 206 धारा 376 भादवी का लिख कर विवेचना प्रारंभ की गई है। इस पूरी घटना के बाद से आरोपी युवक गांव से फरार हो गया है। प्रकरण के आगे विवेचना क्रम में फिंगेश्वर थाना प्रभारी संतोष सिंह ने केस की जांच की और पता साझा की और आरोपी युवक को पकड़ने में सफलता हासिल की। में दिनांक 13/11/18 को अपराध क्रमांक 206/18 धारा 376 पंजीबद्ध किया गया था, जिसका आरोपी योगेश्वर निषाद फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक श्री एम आर अहिरे, एडिशनल SP नेहा पांडे मैडम और SDOP संजय ध्रुव सर के मार्गदर्शन में थाना फिंगेश्वर की टीम ने लगातार उसकी पतासाजी कर रहे थे। कल दिनांक 1/12/2018 को छुरा ग्राम द्वारतारा में उसके होने की सूचना मिली। तत्काल थाना फिंगेश्वर की टीम ने वहां रेड कर आरोपी को गिरफ्तार किया और अभी जो है गिरफ्तारी पश्चात उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इस प्रकार की जो आपराधिक घटना फिंगेश्वर में हो रही थी, लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों के हौसले पस्त हो चुके हैं और पुलिस के जनता के बीच में अच्छा निर्णय जा रहा है। सर, जो पीड़िता जो थी वो शिकायत करने आई थी, क्या ऐसा मामला रहा जो यहाँ थाने में प्रथम बार उसका आवेदन नहीं लिया गया, उसको महिला सही देते क्या बोले? पीड़िता संबंधी जो भी आवेदन यहाँ आया हुआ था उसकी जांच की गई। जांच के पश्चात जब उसमें पाया गया आरोपी नाबालिग था, पीड़िता के द्वारा पहले उनसे शादी के लिए प्रयास किया गया, जब नहीं बनने के बाद यहाँ आवेदन दिया गया था, जिसके जाँच उपरांत तुरंत जाँच में सही पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। महिला हिंसा के विरुद्ध लोक सेवा संस्थान हर गांव में महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करवा रही है। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक होने वाले इस महिला हिंसा के कार्यक्रम में विरुद्ध लोक सेवा संस्थान के द्वारा हर गांव में महिलाओं को जागरूक करने के लिए हर जगह ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, गीत, नृत्य, हर तरह के कार्य में महिलाएं दक्ष हों, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आज छुरा विकास खंड के केवटी झर पंचायत में भी किया गया, जिसमें वहां की महिलाएं जागरूक हों, पुरुष से कंधा मिलाकर चले। इसी तरह ये संस्था हर समय महिलाओं के विकास में कार्य करती आई है। ये संस्था छुरा के आसपास के क्षेत्र जैसे लोहझर, रानी, परतेवा, खडमा, हरदी, मुडागाव आदि ग्रामों में भी जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। ये संस्था महिला के साथ हिंसा के साथ साथ घरेलू हिंसा के विरुद्ध भी विशेष रूप से जोर दिया गया है। नमस्कार, ये जो पखवाड़ा दिवस है 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाली पखवाड़ा, किस संस्था के द्वारा कराया जा रहा है? ये लोक आस्था सेवा संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है, जो एक विश्व भर में अभियान की तरह चलता है। इसमें हम 2014 के पहले देखे हैं तो फिर महिलाओं को गांव से बाहर निकलने के लिए बहुत दिक्कत होती थी जी, लेकिन हमारे द्वारा ये पखवाड़ा दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को, किशोरियों को खेल के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है, जिससे उनको एक अवसर प्रदान हो रहा है कि वो कैसे अपने जो हुनर है उसको आगे ला सके और समानता की ओर आगे बढ़ सके। जिसमें हम पुरुषवादी जो सोच है वो सोचते थे कि कबड्डी जो है पुरुष का ही खेल है एक गांव स्तर पर, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि महिलाओं में भी जोश है और महिलाएं भी आगे निकल। कितने गांव में हो चुका है ये कार्यक्रम? 10 गांव में हो चुका है एक क्वार्टर में, ये दूसरा कार्यक्रम है 10 गांव का, जिसमें आज सर आपका परिचय? हेम नारायण मणिपुरी, लोक आस्था सेवा संस्थान से। मौका मिली से कि क्रिकेट हमन कभी खेले नहीं रहे, तो आज हमन ये मैदान में आके खेले के कोशिश करें और हमन एक बार जीत भी गए हैं, अभी फाइनल में उतरबो। अब एक बात का हो पता नहीं कि क्या नाम है आपके? कमलेश्वरी। कहाँ से? क्योंकि झर से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समस्त पार्टियों द्वारा जनता को रिझाने के लिए रोजगार से संबंधित अनेकों घोषणाएं की गई और पूर्व में सत्ता में रही सरकार द्वारा भी रोजगार बढ़ाने की घोषणा करते रहे।
लेकिन जमीनी हकीकत पर यह घोषणा ही रह जाती है। बेरोजगारी के कारण पलायन, लोग अपने घरों से दूर जाकर जान गंवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अंतर्वेद के दो परिवारों के मुखिया बेरोजगारी के चलते मुंबई के आरके स्टूडियो में बिल्डिंग वर्क में काम करते हुए 11 मंजिले की इमारत से गिरकर अपनी जान गंवा बैठे, जिनके शव को कंपनी द्वारा अंतर्वेदी भिजवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्वेद निवासी इक्रम कोल 40 वर्षीय और अनु मंजूरी 32 वर्ष कई वर्षों से जेल में रोजगार न होने के कारण महाराष्ट्र के मुंबई के एक चैम्बूर में बिल्डिंग वर्क में कार्य कर रहे थे, जिनकी गत दिवस 11 मंजिल ऊंची इमारत से गिरकर मौत हो गई, जिनको मुंबई के एम्बुलेंस द्वारा आज अंतर्वेदी भिजवाया गया। इसके पहले भी पलायन ने कई जाने लिए हैं। ग्रामीणों के अनुसार एक गांव अंतर्वेद से ये छठवीं घटना है, जिसमें गांव के लोग क्षेत्र और जिले में रोजगार की कमी होने के कारण बाहर जाकर अपना परिवार का पेट पालने के लिए जान जोखिम में डालकर कार्य करते हैं। पहले भी अंतर्वेद के ही चार और लोग ऐसे ही जान गंवा चुके हैं। लोगों का कहना है कि पूरी तहसील के हर गाँव से कोई ना कोई व्यक्ति बेरोजगार होने के कारण पलायन करते हुए दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, तो किसी की आँख खराब होती है, कोई लंगड़ा होकर लौटता है, तो किसी की लाश घर वापस आती है। ये सब घटनाएं क्षेत्र में रोजगार ना होना, उद्योग ना होना को दर्शाता है। दो वर्ष पूर्व ढीमरखेड़ा के क्षेत्र से मुख्यमंत्री जी के जनदर्शन यात्रा गुजरी थी, जिसमें बेरोजगार युवकों को सपना दिखाया गया था कि इसी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल जोन खुलेगा और सभी को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा चिन्हित ढीमरखेड़ा, देवरी, बिछिया, पिडराई, पिपरिया, अंतर्वेद, मुरवारी, गोपालपुर सहित कई गांव का सर्वे भी कर के ऊपर पहुंचाया गया, लेकिन कागजों में हुआ सर्वे अमल नहीं हो पाया, जिससे लोग पलायन कर रहे हैं और अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर जाकर जान गंवा रहे हैं। ये लोग जो पलायन कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, इनकी मौत हो रही है। क्षेत्र में रोजगार होते तो ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। हाँ, इस घटना से अपन बच सकते थे, ये भी कहना सही होगा, क्योंकि बहुत सारा मजदूर वर्ग बाहर काम करने जाता है, यहाँ काम ही नहीं है लोकल में। लोकल में काम न होने के कारण मजदूर बाहर जाता है, पेंटिंग का काम करता है, बिल्डिंगों का काम करता है, जो जैसा मजदूर के लायक काम है वो काम करता है। कुल मिला के क्षेत्र में रोजगार न होने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही है। ये घटना का श्रेय तो अब जो लिखा है जहाँ होना है वहीं होगी, लेकिन अपन एक आधार इसको मान लेते हैं कि क्षेत्र में रोजगार ना होना, क्षेत्र में कुछ काम ना होना, तो बाहर जाके काम करता है मजदूर, काम तो, की मजदूरी नहीं मिलती थी, सभी लोग पलायन। आप गनियारी निवासी, जैसे आप यहाँ से ये छठवीं घटना कहलाई अपने यहाँ से, तो ये लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? मालूम रोजगार न मिलना, गांव में अपने जिले में रोजगार ना होना, ना उपलब्ध ना होना रोजगार, इस वजह से जो अपने यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है यहाँ पे रोजगार, गांव में भी रोजगार, अपनी तहसील में रोजगार नहीं है कहीं, बड़ी फैक्ट्री होगी तब तो बंद, तो इस कारण यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं मजदूरी के लिए, बाल बच्चों का पेट भरने के लिए। सरकार से आपकी कुछ मांग है कि? जी हाँ, यही मांग है कि हम यहाँ अगर आजू बाजू रोजगार उपलब्ध हो जाए तो मजदूर काहे के लिए फालतू उतने दूर जाए परेशान, रोजगार चाहिए। आज सोमवार को प्रतापगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेमंत मीणा के समर्थन में सभा को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में अधिक से अधिक मतों से विजय दिलाने के लिए जनता से अपील की। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित श्री चंद्र कृपलानी, मंत्री, सांसद सीपी जोशी, सांसद मान शक्कर निनामा बांसवाड़ा, प्रदेश प्रवक्ता पिकेश पोरवाल, जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा, जिला प्रमुख सारिका मीणा, सभापति कमलेश डोसी और सभी जिला पदाधिकारी और मोर्चे के कार्यकर्ता मौजूद थे। हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष सभा को सुनने के लिए मौजूद रहे। ये विराट सभा जो जनता जनार्दन यहाँ पर बैठी है, आप सबको 7 दिसंबर को निर्णय करना है कि महान राजस्थान पर वीर भूमि पर आने वाले दिनों में किसका शासन रहने वाला है। छत्तीसगढ़ की प्रयाग कहे जाने वाले प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम राजिम में है, जहां पर 3 प्रसिद्ध नदियों महानदी, पैरी और सोंदूर का संगम है। प्राचीन काल से राजिम के त्रिवेणी संगम पर पूर्णिमा और महाशिवरात्रि तक भव्य मेला लगते आ रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता की जबरदस्त आस्था देखी जाती है। सभी अपने अपने पाप धोने, श्रद्धा से स्नान कर मोक्ष की कामना करने आते हैं। त्रिवेणी संगम में भगवान भोलेनाथ शिवजी स्वयं विराजमान है, जिन्हें स्वयं सीता माता ने रेत के बालू से निर्माण कर पूजा पाठ किया था। संगम के किनारे प्रसिद्ध मंदिर भगवान
राजीव लोचन का मंदिर है जिनका ख्याति देश भर में है। लोग देश के कोने कोने से दर्शन के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष त्रिवेणी संगम में सरकार द्वारा भव्य कल्प कुंभ का आयोजन करोड़ों रुपए खर्च कराती है। कुंभ मेले में बाहर से साधु संत नागा साधु सभी आते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को धन्य कर जाते हैं। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रयागराज त्रिवेणी संगम का हाल। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु यहां श्रद्धा से अपने पाप धोने और श्रद्धा कर्म मोक्ष के लिए प्रतिदिन आते हैं, पर यहां की भयंकर स्थिति को देखकर अपने आप और सरकार को कोसते नजर आते हैं। त्रिवेणी की स्थिति बारिश के बाद बहुत बुरी रहती है। संगम का पानी गंदी नालियों और राइस मिल के बदबूदार पानी से भरा रहता है। त्रिवेणी के पानी में कचरे का ढेर लगा हुआ रहता है जिसके कारण श्रद्धालुओं को स्नान और श्राद्ध कर्म करने के लिए भारी मुसीबत बनी रहती है। एनजीटी भी अपने रिपोर्ट में बता दिया है कि नदी का पानी पर्यावरण और प्राणियों के लिए घातक हो गया है। लोग सरकार से मुंह ताके राह देख रही है कि कब त्रिवेणी की सफाई होगी। साथ ही त्रिवेणी खुद राह ताक रही है कि मेरे छाती में मेले का आयोजन कर करोड़ों की खर्च कर कचरा करने वाली सरकार मेरी सफाई के ऊपर खर्च करेगी। देखिए सर, महानदी की प्रदूषण की प्रक्रिया जो है वो बरसों से चली आ रही है और महानदी को हम एक माता के रूप में पूछते हैं। यहाँ पर त्रिवेणी संगम है और बड़े बड़े तीर्थ स्थान में इनकी गिनती आती है। जिस तरीका से अपना गया जी है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, इन यहाँ की जिस प्रकार से त्रिवेणी संगम है उसी प्रकार से हमारी महानदी भी की गिनती जो है इस त्रिवेणी संगम में आती है। यहाँ पर सोढ़ू, पैरी और महानदी तीनों का संगम है जिसे महानदी को तीर्थ स्थान के रूप में हमने माना है और यहाँ पर सभी लोग तीर्थ स्थान में अपनी पिंडदान के लिए, क्रियाक्रम के लिए, साध्यता के लिए, स्नान के लिए, ध्यान के लिए सभी के लिए आते हैं। पर बड़ा दुख और अफसोस होता है कि हम राजीव नगरी के रहने वाले हैं। पहले यहाँ पर स्थिति ये बनती थी कि सभी लोग आकर के स्नान करते थे, आज जाकर के हम देखेंगे तो केवल सूखाग्रस्त है वह महानदी। क्योंकि इसके कारण यह है कि सरकार जो पिछली सरकार थी, भाजपा सरकार जो है, वह सरकार ने सभी को मुरम डाल डाल के यह स्थिति बना दी है या प्रदूषित कर दिया है नदी को कि आज उस नदी में स्नान अगर हम ब्रजजीवी और दातुन भी अगर करने जाएंगे तो उसके लिए भी हमको जल का आरोहण नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो आप इसके बारे में क्या चाहते हैं सरकार से, कैसा क्या करे सरकार? मैं तो यही चाहता हूं कि यह महानदी जो है वो पूर्णतः पहले की तरह निर्मल धारा की तरह बहने लगे, उछलने लगे, प्रसन्न चित रहे, मुखारविंद पे हमें लगे कि महानदी माता जो है वह मुस्कुरा रही है। जिस तरीके से श्वेत गंगा के रूप में माता की धारा जो प्रवाहित होती थी उसी प्रकार से यह माता जो है वो प्रवाहित होने लग जाए, क्योंकि यह तभी संभव होगा जब हम इसकी सही तरीका से देख रेख और क्रियाकलाप को हम सही रूपण में करें। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ अगर मान लो कहीं इस समय सरकार बदलती है और सरकार का आना होता है तो हम यह प्रयास जरूर करेंगे कि महानदी को स्वच्छ और सुंदर और सुचारू रूप से तैयार और सुनिश्चित किया जा सके ताकि लोग आए तो यहाँ पर प्रसन्नचित होकर के स्नान करके एक मुखारविंद में जिस तरीका से कली खिलती है उस तरीका से उसकी मुखारविंद में एक मुस्कान की लहर बह जाए। राजीव का त्रिवेणी महत्व दिया गया है कि गरीबों का ये घाट जो है प्रयागराज जो है दूर दूर तक इलाहाबाद तो नहीं जा सकते, इस कारण यह महत्व दिया गया है राजीव का स्वर्ण तीर्थ घाट। और साथ साथ ये भी है कि जो यहाँ नदी है महानदी, पैरी नदी, छोड़ो नदी, ये तीनों नदी का संगम हो रहा है, इस कारण का स्वर्ण तीर्थ घाट कहलाया गया है। और साथ साथ जो घाट होने के कारण ऊपर से जो पानी है ग्रामीण इलाका का पानी, जो नाली का पानी, प्रदूषित पानी यहाँ सम्मिलित हो रहा है और साथ साथ नया पारा का जो राइस मिल का पानी है यहाँ प्रदूषित हो रहा है, इस कारण जो स्वर्ण तीर्थ घाट का जो पानी जो है पूरा गंदा हो चुका है और घाट के किनारे पूरा गंदा गंदा कपड़ा है और घाट के किनारे भी जितने हैं झाड़ झाड़ू का सब जगह और प्रशासन जो इसके तरफ से ध्यान नहीं दे रहे, इस कारण जो घाट है पूरा गंदा हो चुका है। इनको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो गरीबों का घाट है उनको महत्व दिया जाए, जिससे त्रिवेणी संगम घाट जो विजमोहन है जैसे बड़े बड़े मंत्री है यहाँ आके जितना पैसा फालतू खर्च करते हैं, बर्बाद करते हैं, सब जनता के लिए नुकसानदायक है। गरियाबंद जिला मुख्यालय के आसपास प्राकृतिक सुंदरता और छत्तीसगढ़ राज्य की परंपराओं को लेकर ग्राम बारू का निवासी छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के कलाकार भूपेंद्र साहू द्वारा क्षेत्रीय वेशभूषा के साथ दहीहान छत्तीसगढ़ी फिल्म का प्रमोशन अपने गृह ग्राम बारूका में अपने कलाकारों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सम्पन्न किया। इस फिल्म के द्वारा उन्होंने राज्य के परंपराओं को फिल्माते हुए लोगों के बीच शूटिंग के माध्यम से बताया कि शहर के एक अमीर इंसान का नौकर अपने मालिक के मवेशियों को चारा खिलाने गांव में आकर रहने लगता है और उन मवेशियों से निकाले दूध को बेचकर मवेशी चराते रहता है। इसी बीच गांव की एक लड़की से प्रेम कर बैठता है और इस बात से ग्रामीणों के साथ उसका काफी विवाद भी होता है और इसके चलते
उसे गांव भी छोड़ना पड़ता है, परंतु अंत में प्रेम की जीत होती है और हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है। साफ सुथरी बनी इस फिल्म के माध्यम से निर्माता निर्देशक भूपेंद्र साहू के द्वारा स्थानीय वेशभूषा के साथ क्षेत्रीय भाषा को भी इस फिल्म में प्राथमिकता दी गई है। क्या होता है छत्तीसगढ़ी में, क्या सोच है इसके पीछे? दहान का एक्चुअल में मीनिंग ये है कि दो अंचल है हमारे छत्तीसगढ़ में, मैदानी अंचल और छत्तीसगढ़ी अंचल, वन अंचल। तो उसमें क्या होता है कि जो संपन्न लोग होते हैं, जिनके पास में बहुत सारी मवेशियां होती हैं, उनके सर्वाइवल रविवार को ग्राम पंचायत सालमगढ़ की कृषि उपज मंडी सालमगढ़ में प्रतापगढ़ विधानसभा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामलाल मीणा के समर्थन में पूर्व रेल राज्य मंत्री नारायण भाई राठुआ और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय हेलीकॉप्टर से पहुंचकर आम सभा को संबोधित किया, जिसमें दोनों दिग्गज नेताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के समर्थन के लिए आह्वान किया और अधिक से अधिक मतों से विजय बनाने की अपील की। सभा को सुनने के लिए भारी संख्या में जन सैलाब आया। सभा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष अरुण सिंह, जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी नारायण पाटीदार आदि कार्यक्रम का आयोजन सालमगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष रोहित चौधरी, बाबूलाल चौधरी, नाथूलाल मीणा, कारूलाल मीणा, मुकेश कागड़े, सुरेश जीनगर, उप सरपंच दिलीप चौधरी, कैलाश तैली, शंकरलाल मालवीय, रामचंद्र सेन और आसपास के ब्लॉक के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। नौकरी दूंगा न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। देश का प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार बनूंगा। पोषणक्षम भाव नहीं मिलता है, खेडूतों का खाद महंगा हो गया है, गैस का बोतल महंगा हो गया है, 15 लाख नहीं आया है और जनधन खाता खोल के अपने लोगों को बेवकूफ बनाया है। अपने लोगों को खाते में 15 लाख नहीं आया है और ऐसी कई बातें आदरणीय मोदी जी ने कही थी। अच्छे दिन में ला और आज पिछले समय में जो जनता के काम हुए थे वो जनता इसको देख रही है और वर्तमान सरकार की तुलना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इसलिए कांग्रेस ही आने वाली है। थैंक यू। गढ़ा थाने के मदन महल इलाके में रविवार की शाम रहस्यमय ढंग से अज्ञात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। 3 मंजिला घर के बेसमेंट में चौकीदारी कर रहे चौकीदार को भी पता नहीं चला कि ऊपरी मंजिल में रखी अलमारी में 15 लाख से ज्यादा के जेवरात और नकदी को पार कर चोर आसानी से चले गए। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक जागेश्वर त्रिपाठी कल अपने पैतृक घर सतना परिवार साथ गए हुए थे, तभी अज्ञात चोरों ने सूने मकान का फायदा उठाते हुए चोरी को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों द्वारा हुई इस चोरी की खबर सबसे पहले चौकीदार ने पड़ोस में रहने वाले निखिल शुक्ला को दी, इसके बाद पड़ोसी ने जागेश्वर त्रिपाठी को दी। मकान मालिक के अनुसार अलमारी में 15 लाख के जेवरात और नकदी रखी हुई थी। इधर घटना की सूचना के बाद गढ़ा थाना पुलिस सहित डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीम मौके पर पहुंच आरोपियों की पतासाजी में लग गई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्वालियर से झांसी हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी एक निजी भूमि पर अवैध उत्खनन करती रही, वो भी बिना भूमि मालिक की सहमति से। जब भूमि मालिक ने ऊपर से नीचे तक सभी को शिकायत की तब प्रशासन मौके पर बड़ी मुश्किल से पहुंचा। तब प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा कि अब क्या कार्यवाही करेंगे तो जांच करने की बात कहकर टालते रहे। शाम को टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि मदन महल चौक में आरसी अपार्टमेंट है, जहाँ तिवारी जी कोई रहते हैं, वो कभी कभी आते हैं, उनके फ्लैट में ताला टूटा है। पड़ोसियों ने बताया कि उसी की जांच के लिए हम लोग आए। मदन महल के पास आरसी आर्केट में फ्लैट नंबर 301/B में रहने वाले जागेश्वर प्रसाद त्रिपाठी जी के यहाँ आज दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है। जागेश्वर प्रसाद त्रिपाठी जी अपने परिवार के साथ सतना के पास अपने गाँव पौड़ी गए हुए थे। दिन दहाड़े चोरी की इस घटना ने उनके परिवार को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने फ़ोन पर बताया लगभग 15 लाख रुपये का यहाँ पर ज्वेलरी और कैश रखा हुआ था उनके।
पुलिस आज मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल जारी है। भैया सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पर? सभी तरह के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उस पैसेज में 6 मकान और थे और तीसरी मंजिल में स्थित घर पर ये चोरी हुई है। नीचे से ऊपर चौकीदार सभी यहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया। आपका नाम बता दो। मेरा नाम निखिल शुक्ला, हमारे परिचित। बीते दिनों 26 नवंबर 2018 को मध्य रात्रि किराना व्यापारी मंगल जैन की बड़ी बेरहमी से हत्या और लूट के बाद उसके घर को गैस सिलेंडर से विस्फोट करके आग के हवाले करने वाले मुख्य संदेही को अपराधी शुभम उर्फ चीना और एक नाबालिग को आज शहपुरा पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए गए, जहां आरोपियों की पुलिस न्यायालय से रिमांड मांगेगी। पुलिस ने बारीकी से जांच करते हुए हर सूक्ष्म बिंदुओं की जांच की, जिसमें जिन लोगों पर संदेह था पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद आरोपियों के द्वारा हत्या के बाद लूट के सामान को कुएं में फेंकने की बात सामने आई है। इसे खोजने के लिए पुलिस ने जेसीबी की मदद से कुएं के अंदर का मलबा निकलवाया और आज दूसरे दिन भी मोटर पंप से कुएं का पानी निकलवाया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या इन शातिर अपराधियों ने क्या सही में लूट का सामान छुपाने के लिए कुएं में फेंका है या पुलिस को गुमराह करने में लगे हुए हैं। ग्वालियर से झांसी हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी निजी भूमि पर अवैध उत्खनन करती रही, वो भी बिना भूमि मालिक की सहमति से। जब भूमि मालिक ने ऊपर से नीचे तक सभी को शिकायत की, तब प्रशासन मौके पर बड़ी मुश्किल में पहुंचा और जब प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा कि अब क्या कार्रवाई करेंगे और जांच करने की बात कहकर टालते रहे। शिकायत संतोष गिरी महाराज जी ने दूरवास द्वारा की है कि मेरी ये जमीन पे NH हाईवे द्वारा अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है। उक्त शिकायत के संबंध में अनुभागीय अधिकारी के दूरवास पर दिए गए निर्देश अनुसार स्थल पर आकर जांच की गई, उसकी नाप की जा रही है और उसकी नाप करके इसकी अनुमान लगाया जा रहा है कितने टन मिट्टी निकली है और किसकी जमीन में है। जो नाप हो जाने के पश्चात इस पर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। यहाँ आप आए तो कितने डंपर आपको मिले? डंपर यहाँ लगभग मौके पर 5 डंपर हैं और जेसीबी और एक डंपर उस साइड में भी खड़ा हुआ है दूर जी मौका पे है। 5 डंपर और कोई मशीन वगैरह जेसीबी एक पीछे खड़ी हुई है वो दिखा रहे। कैन के पास परमिशन वगैरह है कोई को? अब अधिकारी यहाँ के यहाँ ऑफिस में जाके देखी जाएगी कि कृषि नंबर की परमिशन है या नहीं है, जब स्थिति स्पष्ट हो जाए। अच्छा, दूसरा ये कि ये निजी भूमि है तो क्या सरकारी परमिशन से खुदाई कर सकती है कंपनी निजी भूमि पे? झांसी में गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहे 10,000 के नामी छात्र बदमाश को आखिरकार दबोचने में जीआरपी टीम को सफलता मिल ही गई। उसे जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। जीआरपी ने उसका चालान कर दिया। गैंगस्टर के मामले में 4 जुलाई 2018 से वांछित चल रहे छात्र अपराधी राम सिंह को रेलवे पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम SP रेलवे ने घोषित किया था। आपको बता दें कि रविवार को पुलिस महानिदेशक संजय सिंघल द्वारा सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत SP रेलवे PK मिश्र और पुलिस उपाधीक्षक रेलवे राजपाल सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष GRP उरई ब्रजमोहन सैनी, उप निरीक्षक विनय कुमार साहू और उप निरीक्षक जयलाल की टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान अजीत कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर में वांछित एक बदमाश रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 और 8 पर मौजूद है और किसी वारदात की फिराक में है। सूचना पाकर अजीत कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर जा पहुंचे। वहां खड़ा एक युवक रेलवे पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। रेलवे पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम राम सिंह पुत्र तीरथ सिंह निवासी सराय मोहल्ला जामा मस्जिद के पास इतवारी गंज झांसी बताया। रेलवे पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया है। क्या मामला है, किस बात की प्रेस वार्ता की? आज की प्रेस वार्ता का विषय ये रहा कि हमारे गैंगस्टर एक्ट का एक वांछित अपराधी, जिस पर 10,000 रुपये का पुरस्कार श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवे महोदय के द्वारा घोषित किया गया था, काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। अनेक बार गिरफ्तारी का प्रयास किया गया लेकिन गिरफ्तार नहीं हो सका था और आज GRP झांसी पुलिस को और उरई पुलिस को, संयुक्त टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली कि आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा और कितने मुलजिम हैं गैंगस्टर में? गैंगस्टर में एक मुलजिम और है जो अभी उसकी तलाश जारी है, अभी वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इनके प्रमुख मुकदमे कौन-कौन से थे? इस पर कई चोरी और लूट के मुकदमे थे, जिन मुकदमों के परिप्रेक्ष्य में इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी कि ऐसे शातिर चोर
लुटेरे के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि समाज में अमन चैन कायम रहे और ऐसे अपराधियों का जेल के अंदर निरुद्ध रहना अति आवश्यक है। दूसरा अपराधी वांछित है क्या, वो भी इनामी है? उस पर भी इनाम है लेकिन अभी वो गिरफ्त में नहीं आ सका है। ग्राम लोहारा में निर्माणाधीन पुल की सरिया गर्दन में घुसने से ग्राम के ही एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक गणेश ठाकरे के भाई ओम प्रकाश ने बताया कि उनके भाई के यहाँ खेत में धान की गाहनी का काम चल रहा है, जिसके मजदूरों को बुलाने भाई शाम को टोले पर गया था। वहां से वापस आते समय अंधेरा हो चुका था। भाई साइकिल से निर्माणाधीन पुल पार कर रहा था तभी वो गिर पड़ा, जिससे पुल पर लगी सरिया उसके गर्दन में घुस गई, जिसकी मौत अस्पताल लाते समय रास्ते में ही हो गई। भाई की मौत का कारण सरपंच की लापरवाही है। ग्राम पंचायत द्वारा पुल का काम करवाया जा रहा है जो धीमी गति से चल रहा है। पुल के दोनों ओर कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं और ना ही कोई संकेत। सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं पीएम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मौत शरीर में अंदरूनी चोट आने और अधिक खून बह जाने से हुई है। सर आपका परिचय बताएं। मैं ओम प्रकाश ठाकरे, ग्राम लोहारा से। सर ये कौन लगते हैं मृतक आपको? बड़े भाई। कैसी क्या घटना हुई थी? ये शाम को घर से निकले लोहारा टोला लेबर के पते से, गाहनी का कार्य प्रारंभ है अभी, तो लेबर पता करके घर लौट रहे थे। तो जैसे वो घर आ रहे थे तो रात को करीब 7 बजे की घटना है। तो ग्राम पंचायत द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें वहाँ न कोई स्टापर लगा हुआ है, न कोई बांस आड़ किया गया है, न किसी प्रकार की कोई वहाँ संकेत नहीं है वहाँ। इस कारण, अंधेरे के कारण इनकी साइकिल जो है वो स्लिप हुई। अच्छा, किसकी लापरवाही लगती है आपको इसमें? सीधी घोर सरपंच, ग्राम पंचायत एजेंसी है, कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत है, सरपंच द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से 4 माह से काम धीरे धीरे कराया जा रहा है और किसी प्रकार की वहाँ कोई ध्यान नहीं है और न कोई वहाँ सांकेतिक स्टापर है न कुछ है। पिछले बार एक गैया भी घुसी थी, तो क्या उसकी शिकायत करेंगे आप? हाँ, शिकायत सरपंच के ऊपर होना चाहिए। कार्य एजेंसी सरपंच है और पूर्ण रूप से जिम्मेदार, गिरफ्तारी होना चाहिए उसकी। हाँ, गिरफ्तारी होना चाहिए, जैसे पीएम करवाया। सर कैसे क्या निकला सर इसमें? व्यक्ति के जो गिरने से उसको जो चोट लगी गर्दन में, हो सकता है कि कोई रॉड वगैरह, किस तरह से लोगों का कहना है कि रॉड उसे गर्दन में लगी हुई थी। देखा गया कि उसके जो ऑर्गन है, जैसे हृदय है और फेफड़े हैं, उसमें अंदरूनी भाग तक की चोट लगी है, जिससे अत्यधिक रक्त स्त्राव हुआ है। अत्यधिक, जैसे हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है, उसमें ब्लड भरा हुआ होता है, जो ब्लड छाती में भर जाता है, तत्काल मृत्यु हो सकती है। रॉड घुसने की संभावना लग रही है? हाँ, जिस तरह से लोगों का कहना है, मैंने तो एक फटा हुआ घाव देखा है, जो छोटा सा घाव था, और अंदरूनी जो विसरल ऑर्गन कहते हैं, जिससे लंग्स एंड हार्ट, हृदय और फेफड़ा, इसके अंदरूनी भाग में चोट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।